आर सीरीज की पेशकश है बाबा सैलानी का 2023 का मेला। मेले की तैयारी फुल हो रही है, दुकान वगैरह सब आ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे खादिमों की ज़मीन पर गेहूँ कितना पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला बाबा सैलानी का मेला आ रहा है अभी। और होली रहेगी 6 तारीख की और संदल रहेगा 12 तारीख का। और आइए खादिम के जबानी सुनते हैं। 2023 का उरूज जो आ रहा है सैलानी सरकार का, इसके बारे में क्या कह रहा है पब्लिक के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैलानी सरकार हाजीपुर रहमान उर्फ सैलानी साहब मियां 1907 में पर्दा हुए, और ये जो जमीन जो है खुद के मुजावर के जमीन के अंदर में सैलानी बाबा की दरगाह है। 1907 से पहले 12 साल तक का सैलानी बाबा की खिदमत मेरे सगे दादा हुसैन ने किए थे। ये तमाम जमीन जो है सब उन्हीं की है। संदल भी मुजावरों के हाथ से होता है, पहले सुई से अस्थलक का। होली भी, होली यानी मतलब सैलानी बाबा की धुनी, ये भी मुजावरों के हाथ से होती परंपरा, पहले से अस्थलक का। और जितने भी मेहमान आने जाने वाले जो लोग हैं इनकी खिदमत मुजावरी करते, जो परंपरा पुजारी है, कोई कमेटी वाले, कोई अस्थायी समिति के, कोई लोग कुछ नहीं करते। यहाँ मुजावरे के मोटर चालू है, पानी की रहने की व्यवस्था भी मुजावर खादिम लोग सैलानी सरकार को भी करते हैं। पानी भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। 3 साल से लॉकडाउन के अंदर में सब यहाँ पर बंद था, कोरोना महामारी बीमारी की प्रशासन ने सब बंद किया था, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद में इस साल दरबार सैलानी सरकार का होली संदल परंपरा जैसी फूट पर आती है वैसी संदल होगा, होली होगी। नहीं, आपके साल ऐसा, आपके साथ मैंने ऐसा सुना है कि आपके यहाँ से होली जलाई जाएगी, संदल में आपके यहाँ से चलाया जाएगा, उसके बारे में क्या? ये तो सरकार सैलानी ने हयातपन में बताए थे दादा हुसैन को, हाँ, कि मुजावरों के हाथ से होली होगी, मुजावर खादिम लोगों के हाथ से संदल चलाया जाएगा। पिपलगांव सलाई के अंदर में सैलानी बाबा की बैठक है, वहाँ पर भी सैलानी बाबा के लियाते हैं, उठनी पर संदल लाते हैं। जो रास्ते सैलानी बाबा आते थे वही रास्ते संदल चलाया जाता आज भी, और हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई बदल नहीं। और होली की तारीख क्या है? ये जो अपने बैनर पे जो है अस्थायी समिति जो लोग है, ये बॉडी डिजल हो गया है। अच्छा, अस्थायी समिति जो लोग है इन्होंने 6 तारीख की होली बताए, 6 तारीख की होली बताई, और 12 तारीख का संदल, 12 तारीख जब उन्होंने वो बताया तो उसके पीछे पीछे हम लोग आते हैं। अच्छा, किसान लोग हम पहले से, खुद की जमीन है हमारी यहाँ पर, पेट भरते हैं, छोटे मोटे फूलों की दुकान है, मोसिन फूल सेंटर की। मेरा आपको इसके बाद में बहुत से मैं वीडियो डाला हूँ, हमारे औरंगाबाद के भाई साहब है यहाँ पर आते हैं, अच्छे चैनल डालते हैं, और उसके बाद में सच्चाई बताते हैं। सच्चाई बताने के बाद में जो और जो लोग आते हैं, जितनी आप सच्चाई से डालते हैं, दिलो जान के साथ में डालते हैं, हकीकत में आप डालते हैं, ऐसा कोई आदमी वीडियो नहीं डालता हमारा। और हम लोग आपकी बातों के लिए हम मानना रखें, पर मैंने ये भी सुना है कि आपके यहाँ पर अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ मैंने सुना उसके बारे में? जी साहब, ये तो 1907 के बाद में 8 से सैलानी बाबा के दरबार का केस चालू है हमारे पर। पिछले वीडियो में बता रहा है कि देखो आज तक का कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रशासन हमको साथ देने के लिए तैयार नहीं है आज भी। हमारी रोजी रोटी, हमारी मार्केट, हमको जो इतने हम आपसे मांग रहे हैं, प्रशासन से भी निवेदन किए कि भाई खेती जमीन जुमला हमारे खुद की जमीन है, सैलानी बाबा की दरगाह इसके अंदर में हम परंपरा से मुजावर लोग हैं और सैलानी खिदमत करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ गरीब रंगले लूले जितनी भी हम इसकी बाजी मजदूर को खिलाते हैं, पिलाते साथ देते हैं, जो भी लाश पानी करने कौटा चुचा जादू टोना सब सैलानी सरकार की दुआ से। लास्ट सवाल पूछता हूँ आपको, संदल जो अपने होली जो रहेगी वो 6 तारीख की रहेगी और 12 तारीख का संदल रहेगा? जी, जैसे बैनर लिखा है अस्थायी समिति ने। अच्छा अच्छा, तो 6 तारीख की होली होगी। ये थे हमारे शफीक मुजावर सैलानी सरकार के, इनकी कुछ बातें सुनेंगे। और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं ये वीडियो आगे तक गवर्नमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा इंडिया का वक्त तरफ से। हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, हमने हमारे बच्चों को क्या खिलाना क्या पिलाना, छोटी छोटी दुकानें फूल की उसमें खा रहे पी रहे रह रहे कैसी जिंदगी बसर कर रहे हो सैलानी सरकार को मालूम है। आने वाले मेहमानों की खिदमत हम करेंगे, आराम से आओ, चैन से आओ, शांति से आओ। सैलानी बाबा सुनने चलेगा तो अपने अपने घर को जा सकते हैं, किसी को मनाहत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और जो कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ तकलीफ परेशानी हो तो मैं बैठा हूँ आपके लिए। मेरा नाम है शेख शफीक शेख करीम मुजावर सैलानी। मेरा मोबाइल नंबर है 9850622779। मैं दादा हुसैन का पोता हूँ, सैलानी सरकार का खिदमत गुजार हूँ। कोई परेशानी तकलीफ हो तो उसके साथ देने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा वादा है। हक सैलानी, हक सैलानी, हक सैलानी।